हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचिंग बूथ। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5। बेसिकली ये एक्सरसाइज बेस्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिलेबस से डिलीट हो चुका है। तो इस एक्सरसाइज में हम सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशंस बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। तो इसमें जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, पहले हमें उसके इक्वेशन फ्रेम करनी है और उन इक्वेशंस को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? सो क्वेश्चन है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज शी हैज टू पे 1000 एज हॉस्टल चार्जेस, वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पेज रुपीज 1180 एज होस्टल चार्जेस। फाइंड द फिक्स चार्जेस किसके? हॉस्टल के। एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो ये दो चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है। 3.4 एक्सरसाइज में भी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने किया था, जिसमें टैक्सी फेयर था। टैक्सी फेयर फिक्स था और उसके आगे जितने भी किलोमीटर्स, जितने भी डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे, उसके अकॉर्डिंगली उसमें मनी ऐड होता जाएगा, चार्जेस बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है? इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है। हॉस्टल के कुछ फिक्स्ड चार्जेस हैं जो पे करने ही करने हैं। इसके अलावा जो चार्जेस हैं वो डिपेंड करता है कि कितने डेज के लिए आपने फूड लिया है, क्लियर? सो यहाँ पे दो स्टूडेंट्स का डाटा हमें गिवन है, स्टूडेंट बी एंड स्टूडेंट ए। स्टूडेंट ए कह रहा है अगर वो 20 दिन तक के लिए खाना लेता है तो उसने 1000 रुपये पे करे हैं, और अगर 26 दिन तक खाना लेता है दूसरा स्टूडेंट तो उसने पे करे हैं 1180 रुपीज़। तो अब हमें क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए रूल नंबर 1 अप्लाई करना है, दैट व्हाट डू वी नीड टू कैलकुलेट हियर द फिक्स चार्जेस। अब इसी को हम डिनोट कर देंगे वेरिएबल से, लेट द fixed charges of hostel be rupees x, और दूसरा हमें निकालना है cost of food per day and the cost of food per day, एक दिन के लिए खाने के कितने charges हैं वो हमने assume कर लिया as y, ठीक है? अब इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, स्टूडेंट ए का डाटा हमें गिवन है। स्टूडेंट ए ने 20 डेज के लिए खाना लिया था जिसके टोटल हॉस्टल चार्जेस उसने पे करे हैं 1000। जिसमें हॉस्टल चार्जेस हैं जो कि फिक्स्ड हैं, ठीक है? खाना उसने लिया है 20 डेज के लिए, एक दिन के खाने के पैसे हमने अज्यूम किए हैं रुपीस वाई, 20 डेज के लिए कितने हो जाएंगे 20 वाई। टोटल चार्जेस उसने कितने पे करे 1000। सो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, क्लियर? हमने यहाँ पर अज्यूम किया है कि फिक्स्ड चार्जेस हॉस्टल के हैं एक्स रुपीस, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ फूड है पर डे बी रुपीस वाई, ठीक है? अब अगर उसने 20 दिन तक खाना खाया है, सो एक दिन का खाना है y, 20 दिन का खाना हो गया 20y, जिसके साथ फिक्स चार्जेस तो ऐड ही है हॉस्टल के, और टोटल उसने पैसे पे करे हैं 1000, क्लियर? सो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ गई है। अब देखते हैं स्टूडेंट बी के लिए। नाउ फॉर स्टूडेंट बी ने खाना लिया 26 डेज के लिए, ठीक है? और टोटल उसने हॉस्टल चार्जेस पे करे हैं 1180। फिक्स चार्जेस जिसके अंदर हॉस्टल के हैं x, और खाना उसने लिया है 26 डेज के लिए, एक डे का कॉस्ट है खाने का y, 26 डेज का हो गया 26y। सो स्टूडेंट बी के लिए इक्वेशन बनी है x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। सो ये रही हमारे पास इक्वेशन 1 एंड हेयर इज इक्वेशन नंबर 2। सबसे इजीएस्ट मेथड है इक्वेशंस को सॉल्व करने का एलिमिनेशन मेथड।
सो अब एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हैं और इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. नाउ बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेशन मेथड में हमें पहले किसी एक कॉफिशेंट्स की टर्म्स को सिमिलर करना होता है और यहाँ पे x, x के जो कॉफिशेंट्स है वो सिमिलर है. सो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे सो दैट एक इसमें से वेरिएबल एलिमिनेट हो सके. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर टू फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन. अब इक्वेशन नंबर वन है हमारे पास x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000. माइनस करना है हमें इक्वेशन नंबर टू को, x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180. माइनस प्लस माइनस एक्स एक्स सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएगी. 20 माइनस 26 वी गेट -6y. इसको माइनस किया वी गेट -180. वाई इज इक्वल टू 30. अब एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है. वाई हमने अज्यूम क्या किया था, वाई हमने माना था द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे. तो एक दिन के लिए खाने के पैसे हैं 30 रुपीज. ठीक है, अब हमें निकालना है हॉस्टल चार्जेस. नाउ put y is equal to 30 in equation 1, x plus 20 into y, 20 into 30, 60 is equal to 1000, 20 into 30, 600. So x is equal to आ गया हमारे पास 400. और ये 400 क्या है, हॉस्टल के फिक्स्ड चार्जेस हैं 400 रुपये. क्लियर, ये दो ही चीजें हमें कैलकुलेट करनी थी. नाउ देयरफॉर फिक्स्ड चार्जेस फॉर हॉस्टल इज रुपीज 400 एंड द कॉस्ट ऑफ फूड इज फॉर पर डे इज रुपीज 30. ये दो ही चीजें हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी थी. चलिए नोट करें इसे. Second part, a fraction becomes 1 upon 3 when 1 is subtracted from the numerator. It becomes 1 upon 4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. इसी से similar question हमने exercise 3.4 में भी किया था. हमें एक fraction बनानी है और वो fraction ऐसी है, अगर उसके numerator में से 1 को subtract करते हैं तो 1 upon 3 बन जाती है और 1 upon 4 बन जाएगी अगर हम उसके डिनोमिनेटर में 8 को ऐड करते हैं तो. क्लियर, तो अब फ्रैक्शन के लिए हमें चाहिए न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, इन दोनों को ही अब हम अज्यूम करेंगे. लेट द न्यूमिनेटर बी एक्स एंड द डिनोमिनेटर बी वाई. अब न्यूमिनेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन विल बी एक्स अपॉन वाई. नाउ अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, अब बोला गया है कि न्यूमिनेटर में से माइनस करो वन को और डिनोमिनेटर सेम है तो फ्रैक्शन बनती है हमारी 1/3. अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 3x - y इज इक्वल टू 3. ठीक है, सो अब हमारे पास जो इक्वेशन आएगी ये होगी इक्वेशन नंबर 1. नाउ ये थी पहली कंडीशन. अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में हमें गिवन है कि अगर 8 को ऐड किया जाए डिनोमिनेटर में, सो न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं, डिनोमिनेटर में 8 को ऐड किया जाए तो इक्वेशन बनेगी 1/4. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 4x - y
इज इक्वल टू 8. सो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अब सिमिलरली इसको भी हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से. एक वेरिएबल टर्म हमारे पास सिमिलर है, माइनस वाई एंड माइनस वाई. नाउ बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर रहे हैं, तो इक्वेशन 2 है हमारे पास 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8. माइनस करना है इक्वेशन 1 को, दैट इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. माइनस 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 प्लस माइनस 4x माइनस 3x, x माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल इज इक्वल टू 5. सो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है और x हमने अज्यूम किया था द न्यूमिरेटर. सो न्यूमिरेटर आया है 5. अब हमें निकालना है वेरिएबल y. नाउ पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 है 3x माइनस y इज इक्वल टू 3. 3 5s are 15. 15 माइनस 3 वी गेट माइनस 12 हो जाएगा ये. सो हेयर वी हैव वाई इज इक्वल टू 12. सो हमारे पास डिनोमिनेटर आ गया है 12. ठीक है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 5/12. क्लियर, चलिए नोट करें इसे. नेक्स्ट पार्ट, यश स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर. हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर्स एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स. हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट? तो यहाँ पे दो सिचुएशंस गिवन है. सिचुएशन नंबर 1, यश के 40 मार्क्स आए हैं जिसमें सही आंसर जो उसने दिए थे उसके उसको 3 मार्क्स मिले हैं हर एक सही आंसर के, और जितने क्वेश्चन उसके गलत थे उसमें से माइनस 1 होता चला गया. क्लियर, और टोटल मार्क्स बने उसके 40. दूसरी सिचुएशन हमें ये दी है, अगर सही आंसर के उसको 4 मार्क्स मिलते और गलत आंसर के लिए 2 मार्क्स काट लिए जाते तो उसके मार्क्स बनते 50. ठीक है, सो अब हमें ये तो पता है कि सही आंसर के कितने मार्क्स हैं, गलत आंसर्स के लिए कितने हैं और टोटल मार्क्स उसके कितने हैं, लेकिन हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं पता है. ठीक है, वही हमसे क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट. अब क्वेश्चन जितने मर्जी हो, मार्क्स तो 2 तरीके से मिले हैं. क्वेश्चंस ठीक है जितने मर्जी हो, उसने कुछ आंसर्स करेक्ट दिए हैं, कुछ आंसर्स उसने इनकरेक्ट दिए हैं. तो जो करेक्ट आंसर्स हैं उसको मैंने मान लिया अगर x और इनकरेक्ट वालों को मान लिया y. ठीक है, अब सही वालों के लिए कितने मार्क्स मिले हैं उसको पहले 3, गलत मार्क्स के लिए उसको मिले हैं माइनस 1. ठीक है, दूसरी कंडीशन में फिर उसको मार्क्स अगर मिलते 4 और गलत के लिए मिलते माइनस 2 तो टोटल मार्क्स उसके बनते 50, पहले बन रहे थे 40. दो सिचुएशन हमें गिवन है, इसके अकॉर्डिंगली हमें इक्वेशन फ्रेम करनी है. क्लियर, सो क्वेश्चंस तो हमें गिवन नहीं है, अब हम इसी को डिनोट करेंगे वेरिएबल से. लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स x and the number of answers incorrect y. ठीक है, now according to the equation, जब उसको correct answer के लिए मिल रहे थे 3 marks, x answer उसने सही दिए 1 marks के 3 है, तो सही answer के total marks कितने हो गए 3 into x. then
जितने भी उसने आंसर गलत दिए थे उसके लिए उसको मार्क्स मिले हैं -1, ठीक है, -1 × y हो गया। टोटल मार्क्स इसके बने हैं 40। सो इक्वेशन हमारे पास क्या हुई, 3x - y = 40, एंड लेबल इट एज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब अगर उसे सही आंसर के मार्क्स मिले होते 4, सो पहली कंडीशन तो ये है, और दूसरी कंडीशन अगर उसको सही आंसर्स के लिए मार्क्स मिले होते 4, सही आंसर्स उसने दिए हैं x, एक आंसर के मार्क्स हैं 4, सो x आंसर्स के मार्क्स कितने हो गए, 4 × x। क्लियर। अब जितने भी उसके इनकरेक्ट आंसर्स थे उसके लिए -2, इनकरेक्ट आंसर्स उसने दिए हैं y, सो इनकरेक्ट आंसर्स के टोटल मार्क्स कितने काटे होंगे, -2 × y, ठीक है। टोटल उसने कितने मार्क्स अचीव करे इसमें, 50। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं बाय टेकिंग 2 एज कॉमन। अब ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब इसको हमें सॉल्व करना है, अगेन एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते हैं इसको by using elimination method, subtract equation 1 from equation 2. Equation 2 है हमारे पास 2x - y = 25 -3x - y = 40. Now -++ - -++ - 2x - 3x - x y - y कैंसिल। यहाँ पे इसको सॉल्व किया, हियर वी हैव -15। सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 15, और x हमने क्या अज्यूम किया था, x हमने अज्यूम किया था द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स। तो यश ने टोटल करेक्ट आंसर्स कितने दिए हैं, 15 आंसर्स करेक्ट दिए हैं। अब हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ y। नाउ पुट x = 15 इन इक्वेशन नंबर 1। Equation 1 is 3x - y = 40. 3 × 15 = 45. y = -5. तो y आ गया है हमारे पास 5, which is incorrect answers का नंबर है, और incorrect answers उसने दिए हैं 5, ठीक है। सो यही हमें कैलकुलेट करना था। Now therefore number of correct answers is 15 and number of incorrect answer is 5, ठीक है। इनकरेक्ट आंसर उसके 5 है और करेक्ट आंसर उसके 15 है, और अब टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, 20। यही हमसे पूछा था, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, सो देयर वर ओनली 20 क्वेश्चंस इन द टेस्ट। सो x plus y total questions which is equal to 15 plus 5 is equal to 20, ठीक है। सो 20 questions total थे उस टेस्ट के अंदर, यही हमें कैलकुलेट करना था। तो अब हमने निकाल लिया है 20 questions। नोट करें इसे,